हेलो। गुड हेलो, गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या पढ़ाई हो रहा था जी? डेबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, रिवॉल्यूशन ऑफ, द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। ओह अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। इट मींस हिस्ट्री वाज गोइंग ऑन। हिस्ट्री सेक्शन वाज गोइंग ऑन ना। डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन? तो हो चुका था ना। हाँ जी, यस स्लेवरी, स्लेव्स के विषय में बताए थे ना कि किस तरह से वहां पे ट्रेंगुलर व्यापार चलता था। इसके विषय में हुआ था कि द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी पढ़ाना था। स्टार्ट करना था। ओके, गुड। सी, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी मीन्स वट का मतलब है कि किस तरह से स्लेवरी पूरी तरह से खत्म हो गया फ्रांस से। जहां कहीं भी फ्रांस का, वेयर एवर देयर वाज, गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑक्यूपाइंग एरिया ऑफ फ्रांस इन दोज ऑफ द कॉलोनीज, इट वॉज डिक्लेयर दैट द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी फॉर एवर। इट मीन्स नो वेयर द स्लेव्स विल बी बॉन्डेड, और द कंसेप्ट ऑफ मेकिंग अ स्लेव्स वो इरेडिकेटेड फॉर एवर और एवॉलिश फॉर एवर। जैकोबिन रिजाइन का सबसे जो इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स जो बोला जाता है या माना जाता है, वह आपको स्लेवरी का सदा सदा के लिए समाप्ति है। स्लेवरी मतलब गुलाम की प्रथा, दास की प्रथा, दास प्रथा। स्लेव सिस्टम फ्रॉम फ्रांस वाज एवॉलिश्ड फॉर एवर और द बैंड फॉर एवर। वेयर एवर देर वर द फ्रेंच कॉलोनीज, देर वर डिक्लेयर द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द जैकोबिन रिजाइन। स्पेशली इन द कॉलोनीज ऑफ मार्टिनिक, ग्वाडलोप, सेंट सेंट डोमिंगो, जहां से किन किन चीजों का सप्लाई किया जाता था, इंपॉर्टेंट कॉमोडिटीज, इंपॉर्टेंट सप्लाईज, सप्लायर्स ऑफ द कॉमोडिटीज, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी। ये ऐसे कॉलोनीज थे फ्रांस का जहां से टोबैको का, इंडिगो का, शुगर का और कॉफी का सप्लाई किया जाता था। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग्स दैट द यूरोपियन फार्मर्स और द वर्कर्स, दे डिड नॉट वांट टू गो टू दिस कंट्रीज इन ऑर्डर टू कल्टिवेट और ग्रो द क्रॉप्स ऑफ व्हाट, शुगर केन, और यू कैन से कॉफी, टोबैको और इंडिगो। द यूरोपियन फार्मर्स और द यूरोपियन वर्कर्स देवा रिलंटेंट, इट मीन्स देवा डिसगस्टेड और डिसलाइक, दे डोंट फील हेल्दी टू गो टू
द अदर अदर कंट्रीज वेरी फार ऑफ फ्रॉम द देयर ऑन द नेटिव प्लेसेस अक्रॉस द सी और द ओशेनिक एरियाज. इट मीन्स दे वर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम गोइंग अब्रॉड और इन क्वाइट स्ट्रेंज लैंड और द अदर अदर कॉलोनीज वेयर एवर देयर वर द ऑक्युपेंट्स ऑफ देयर वर द ऑक्युपाइंग प्लेस ऑफ और द कॉलोनीज ऑफ फ्रांस. द इम्पोर्टेंट कमोडिटीज इन द फॉर्म ऑफ टोबैको इंडिगो शुगर एंड कॉफी दीज वर हाईली डिमांडेड इन यूरोपियन कंट्रीज एंड दीज वर द प्लेसेज इट मीन द कॉलोनीज ऑफ फ्रांस इन द कैरिबियन मार्टिनिक और सैन डोमिंगो और ग्वाडलोप. ऐसे कॉलोनीज थे जहाँ पे इन चारों चीज़ों का बहुत हाईली प्रोडक्शन होता था, वेरी हाईली ग्रोन किया जाता था. आखिर टोबैको का, इंडिको का, शुगर कैन और कॉफी, इन सभी चीज़ों का जो इम्पोर्टेंट कॉमोडिटीज जो था उन दिनों, और ये चारों पांच कॉलोनीज जो थे जो मेन दे वर द मेजर सप्लायर्स ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉमोडिटीज इन द फॉर्म ऑफ टोबैको एंड व्हाट यू कैन से शुगर कैन एंड सो ऑन. हु विल ग्रो दिस क्रॉप्स दे वर द बिग क्वेश्चन बिफोर फ्रांस दैट हु विल ग्रो दिस क्रॉप्स. यूरोपीय कंट्रीज के लोगों के पास सबसे बड़ी ये क्वेश्चन था कि आखिर इनको उत्पादन कौन करेगा, कौन ग्रो करेगा, कौन ऐसे पौधों की खेती कौन करेगा, प्लांटेशन कौन करेगा. यूरोपीय फार्मर्स जो थे और यूरोपीय लेबरर्स जो फार्म लेबरर्स थे, दे डोंट वांट टू गो टू द अदर नेशन और द स्ट्रेंज कंट्रीज और द अदर कंट्रीज फार अप फ्रॉम देयर ऑन द नेटिव प्लेस और फ्रॉम देयर ऑन द कॉन्टिनेंट. ये यूरोपीय कंट्रीज से दूसरे देशों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे. ये दूसरे कॉलोनियल कंट्रीज में या कॉलोनियल क्षेत्रों में जाना बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि इन्हें डर था. दे वर क्वाइट अफ्रेड ऑफ गोइंग अब्रॉड. दूसरे देशों में जाने से कतराते थे, डरते थे, बिकॉज दे वर क्वाइट अनवेयर और अनफेमिलियर ऑफ दोज ऑफ द प्लेसेज. दैट इज वाई देयर वाज द ग्रेट शॉर्टेज ऑफ दिज ऑल द कॉमोडिटीज इन यूरोप. यही वजह है कि इन सभी वस्तुओं का उत्पादन और उनकी कमी, उत्पादन यूरोपीय देशों में लगभग नहीं के बराबर था और यूरोपीय फार्मर्स लोग या फिर कह सकते हैं कि जो फार्म लेबरर्स थे वे काम करना नहीं चाहते थे. यही वजह है कि फ्रांस का आधिपत्य जो है अफ्रीका के देशों में, अफ्रीकन मूल के लोगों में, इसका मुख्य तौर पे उस देशों में आधिपत्य करने का मुख्य रीजन था कि वहां से लोग ओरिजिनल पीपल को, या कह सकते हैं क्या, ऐसे लोग जो खानाबदोशी जिंदगी जी रहे थे, अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो बिल्कुल सिविलाइजेशन से बिल्कुल अपरिचित थे, जो मैनुअल वर्क करना जानते थे, उन्हें पकड़ पकड़ करके और स्लेव्स बनाने की प्रथा शुरू हुई थी. क्यों? क्योंकि टोबैको, इंडिगो और शुगर के और दूसरे अन्य तरह का कॉफी, ये सभी चीज़ों का डिमांड यूरोपीय देशों में बहुत हाईली फिल्ड किया गया था और उसका शॉर्टेज भी बहुत जबरदस्त हो रही थी, क्योंकि यूरोपीय देश के लोग जो है दूर दूर के क्षेत्रों में जा करके और इसका खेती करना नहीं चाहते. उन दिनों मुख्य तौर पे टोबैको, इंडिगो, कॉफी और जो भी था, इसका सप्लायर जो इलाका था वो मार्टिनिक था, ग्वाडलोप था, सैन डोमिंगो था और कैरिबियन आइलैंड्स था. इन्हीं क्षेत्रों से ये टोबैको, ये सब उत्पादन किया जाता था. इसके लिए लेबर की जरूरत था. देयर वाज द मच मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर मैनुअल वर्क्स और द फार्म लेबरर्स. That is why the triangular slab came into existence between Europe, Africa and the USA, America. Europe के बीच में, अफ्रीका के बीच में
और द यूएसए के बीच में ट्रायंगुलर स्लैब बनकर के आया, स्लैब्स का व्यापार व्यवसाय शुरू हुआ। स्लैब्स का माने दासों की खरीद बिक्री शुरू हुई, दास प्रथा शुरू हुआ। क्यों? ये दास स्लैब्स को मैनुअल वर्क के लिए, स्पेशली फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन वर्क के लिए और दूसरे दूसरे अन्य तरह के वर्क के लिए यूरोपीय देशों में, अमेरिकन देशों में और अफ्रीकन देशों से इन्हें दूसरे दूसरे देशों को सप्लाई किया जाता था। और वहां पे मजदूर जा करके और उन्हें तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट वर्क में इंगेज करवाया जाता था। क्वेश्चन में आएगा कि ट्रायंगुलर स्लैब्स हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज। ट्रायंगुलर स्लैब्स मतलब तीन त्रिकोणीय दास व्यापार, जिसको कहते हो ना त्रिकोणीय दास व्यापार। ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड्स किसके किसके बीच में हो रहा था? तो अफ्रीका के बीच में, यूरोप के बीच में एंड अमेरिका के बीच में। और अफ्रीका इसका मूल सेंटर था, जहां से आदि मानव जाति को, या फिर कह सकते हैं कि वैसे जाति के लोगों को जो जंगली जाति थे, जो सभ्यता से काफी दूर थे, जो जो कि मैनुअल वर्क के लिए ही फिक्स थे, या कह सकते हैं कि काफी हट्टे कट्टे लोग जिनको सभ्यता के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, ज्ञान विज्ञान से बिल्कुल परे थे, इन्हें जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके लोगों ने स्लैब बना करके और क्या करना शुरू किया, खरीद बिक्री करना शुरू किया, उसे बेचना शुरू किया, दूसरे दूसरे देशों में भेजना शुरू किया। इस तरह से स्लैब का व्यापार जो था वह 17 सेंचुरी में उभर करके आया। स्लैब ट्रेड बिगेन इन द 17 सेंचुरी। 1600 ईस्वी के आसपास स्लैब का व्यापार व्यवसाय बड़ी चरमोत्कर सीमा पर देखने को मिला। फ्रांस के व्यापारी लोग, मर्चेंट्स लोग, ट्रेडर्स लोग क्या करते थे? दे सेल द स्लैब्स फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्सियो और द नॉन्टीज। याद रखिएगा, अफ्रीका के दो बहुत बड़ा बंदरगाह जिसका नाम था बोर्डेक्स और नॉन्टीज, बोर्डेक्स और नॉन्टीज, बोथ ऑफ द पोर्ट्स वर फेमस फॉर द एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग, और कह सकते हैं सेलिंग और परचेजिंग ऑफ द स्लैब्स फ्रॉम द अफ्रीकन कोस्ट। वेयर द स्लैब्स वर मैनेज्ड बाय द लोकल चीफ्स, लोकल चीफिंस, इट मीन्स वहां के लोकल जो बोर्डेक्स और नॉन्टीज के आसपास के जो लोकल सरदार होते थे अफ्रीका के समुद्र तटीय क्षेत्रों के पास, ये लोकल सरदार जो होते थे वो मुख्य तौर पे क्या करते थे? पकड़ पकड़ करके ऐसे मैनुअल वर्क करने वाले मोटे ताजे हट्टे कट्टे व्यक्तियों को जो मैनुअल वर्क करना जानते थे, जो बिल्कुल क्या कह सकते हो सभ्यता से बिल्कुल परे थे, ज्ञान विज्ञान का जिनमें अभाव था, जिन्हें ये समझ में नहीं आता था कि दिन भर कमाने का, काम करने का वेजेज लेना जरूरी है नहीं है, किसी तरह से पेट भर जाना दे वर हैविंग द लास्ट होप और द ग्रेट प्रायोरिटी। दे डिडंट वॉन्ट टू हैव अ डिमांड ऑफ द देयर ऑन द वेजेज फॉर देयर ऑन द वर्क, और इफ दे वर डिमांडिंग फॉर देयर ऑन द वेजेज दे वर ऑलवेज क्रश्ड बाय द परचेजर्स और द ट्रेडर्स और द मर्चेंट्स, और जो भी खरीदारी करने वाले व्यक्ति होते थे जहां भी इन्हें इंगेज किया जाता था अपने ऑनर के द्वारा इन्हें किसी भी तरह का वेजेज नहीं दिया जाता था। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बेगार के तौर पे, बाउंडेड लेबर के तौर पे, इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे इनसे काम लिया जाता था। तरह तरह का मैनुअल वर्क होता था, प्लांटेशन वर्क होता था, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है कि नहीं, और क्या बोलते शुगर केन, टोबैको, ये सभी चीजों की खेती की जाती थी और जो कि यूरोपीय देशों में बहुत हाईली डिमांडेड था। फ्रांस के जो व्यापारी जो थे, मर्चेंट्स जो थे, वो कमी को पकड़ रखा था, वीकनेस को पकड़ रखा था, और वो मनुष्यों का, आदमियों का, व्यक्तियों का स्लैब्स बना बना करके, मानव को स्लैब्स बना करके, गुलाम बना करके, इंडेंचर्ड और बॉन्डेड लेबर बना करके, और उन्हें बाजारों में बेच दिया जाता था। ये स्लैब्स
17 सेंचुरी में खरीद बिक्री की प्रथा शुरू हुई, मानवों की खरीद बिक्री की प्रथा शुरू हुई। दिस वाज द हेटफुल एक्ट ऑफ द हाईली कॉल्ड सिविलाइज्ड पर्सन ऑफ यूरोपीय कंट्रीज। ऐसे यूरोपीय देश जो अपने आप को काफी एजुकेटेड और हाईली क्या बोलते हो सभ्यता वाले और डेवलप्ड कहलाते थे, इन्होंने दुनिया का सबसे घिनौना काम करना शुरू किया, मानवों की तस्करी, मानवों की खरीद बिक्री की प्रथा शुरू की, स्लेव बना बना करके व्यक्तियों की खरीद बिक्री की प्रथा इन लोगों ने शुरू की, जो कि बहुत ही घटिया नहीं घटियों से भी घटिया काम हुआ करता था। याद कीजिए अपने देशों से भी, भारत देश से भी स्लेव्स दूसरे देश में जाया करते थे, इंडेंचर्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर के तौर पे जाते थे, और एक बार वन टाइम इफ दे आर एंगेज ऑन अ फार्म दे हैड टू लिमिट फॉर एवर, दे नेवर गॉट द परमिशन टू गो बैक देयर ऑन द नेटिव प्लेसेज। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द टी प्लांटेशन इन आसाम, दे वर आल्सो हैविंग द सेम सिचुएशन ऑफ द वर्कर्स देयर इन द प्लांटेशन वर्कर्स। The most of the farmers from Jharkhand, UP or what you can say Bihar and other places sent to Fiji or other places as a bonded labor or indentured labor, very far off from the, they're on the native places crossing or across the sea or the ocean. हजारों हजार किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके, समुद्र को पार करके दूसरे देशों में भेज दिया जाता था, जहां से इनकी वापसी शायद संभव नहीं होता था। ऐसे स्लेव का व्यापार व्यवसाय 17 सेंचुरी में शुरू हुआ। क्वेश्चन में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हेन द स्लेव ट्रेड वाज स्टार्टेड, तो 17 सेंचुरी में हुआ था, यूरोपीय देशों के द्वारा फ्रेंच मर्चेंट्स के लोगों ने स्लेव्स का खरीद बिक्री ट्रेंगुलर क्या बोलते हो सेंटर बनाया इसके लिए, है ना, ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड्स इन्होंने शुरू किया, विच वाज हेल्ड बिटवीन व्हाट यू कैन से बिटवीन क्या कहेंगे अमंगस्ट क्या कहेंगे यूरोपीय कंट्री, अमेरिकन कंट्री एंड यूरोप क्या कहेंगे अफ्रीकन कंट्रीज। बॉर्डेक्स और नॉन्टिस जो दो बड़े बंदरगाह थे अफ्रीका के, और यहीं से इसी दो कोस्टल एरिया से वहां का लोकल सरदार इंसानों को पकड़ करके, खरीद करके, लालच दे करके, फुसला करके, वर्क के नाम पर, पैसा के नाम पर, एडवांसमेंट के नाम पे, और उसे बेच दिया जाता था, दलालों के हाथ को बेच दिया जाता था। इस तरह से स्लैब का खरीद बिक्री की प्रथा शुरू हुई, विच वाज द वेरी हेटफुल सिस्टम ऑफ द सेलिंग ऑफ द वुमेन इन द फॉर्म ऑफ स्लैब्स। गॉट दिस? हेलो डियर स्टूडेंट्स, यह व्यापार तीन महादेशों के बीच हुआ हो रहा था, यूरोपीय देश, अफ्रीकन देश और अमेरिकन देश। अफ्रीका से ये व्यापार इन व्यक्तियों का स्लैब्स को खरीदा जाता था। बॉर्डेक्स और नॉन्टिस दो बहुत बड़े बंदरगाह थे, वहां पे चिफेंस लोग, लोकल सरदार लोग, लोकल फ्लैटर्स लोग रुपया का लोभ लालच दे करके, दूसरे अन्य तरह का बेटर अपॉर्चुनिटी का लोभ लालच दे करके, रोजगार की अपॉर्चुनिटी दे करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिखा करके, और इनका शोषण शुरू हो गया, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, इन्हें जहाज में ठूस ठूस करके भर करके, और बॉर्डेक्स और नॉन्टी जैसे बंदरगाह से दूसरे देशों को सेल कर दिया जाता था। इन्हें पूरी तरह से हाथों में बेड़िया और पैरों में क्या बोलते हो चैन से बंधे हुए होते थे। दे वर टाइटली पैक्ड इनटू शिप्स, एकदम बहुत बैडली इन्हें शिप्स में, अगर 10 व्यक्तियों का रहने का जगह है तो 12-15 व्यक्तियों को ठुसा जाता था, जबरदस्ती भरा जाता था। इनकी जिंदगी बद से बदतर थी, ऐसे हालात में इनको एक देश से दूसरे देशों में भेजा जाता था, बेचा जाता था। They had to go on the voyage for 3 months or more than 2 or 3 months on the sea surface area, or you can say journey. दो तीन तीन महीने की यात्रा, समुद्र की यात्रा इन्हें करके और बहुत दूर भेज दिया जाता था।
कैरिबियन आइलैंड्स में, जो कि बहुत बड़ा चीप सप्लायर आइलैंडियल ग्रुप्स था। अंडरस्टूड और नॉट? और क्या चीज का? टोबैको का, इंडिगो का, शुगर केन का और कॉफी का। इन क्षेत्रों में इन्हें भेजा जाता था अकॉर्डिंग टू डिमांड, क्योंकि यूरोपीय देश के लोग जो थे वे दूसरे स्ट्रेंज प्लेस में जाने से कतराते थे, खेती करने से नहीं कतराते थे, लेकिन दूसरे देशों से में जाने से कतराते थे, स्ट्रेंज प्लेस में जाने से डरते थे लोग। इसीलिए ऐसे अफ्रीकन मूल के लोगों को, मानवों को दूसरे देशों में भेजा जाता था, उनसे खेती करवाया जाता था, इन सभी क्रॉप्स को उत्पादन करवाया जाता था, जिसका डिमांड यूरोपीय देशों में और दूसरे देशों में बहुत ज्यादा तीव्र समझी जाती थी उन दिनों। वहां उन्हें प्लांटेशन ऑनर्स के हाथों बेच दिया जाता था। खेती करने वाले प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये सभी प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत में आता है जी, समझ गया ना? तो प्लांटेशन ऑनर्स के हाथ इन्हें बेच दिया जाता था, कम से कम पैसों में बेच दिया जाता था। इनका यूरोपीय मार्केट में जबरदस्त डिमांड था, क्यों? क्योंकि ये लोग मैनुअल वर्क के लिए बड़ी फिट थे, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए बहुत फिट थे। आप देखेंगे तो बॉर्डेक्स और नॉन्टी जैसे दो बंदरगाह यदि अफ्रीका का फल फूल रहा था, ये बोथ ऑफ द पोर्ट सिटीज वर डेवलपिंग, द मेन रूट बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस टू पोर्ट्स वर सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ, और यू कैन से द ट्रेड्स और द स्लैब्स, ट्रेड्स ऑफ स्लैब्स, स्लैब्स का खरीद बिक्री के कारण ही बॉर्डेक्स और द नॉन्टी जैसे बंदरगाह काफी अफ्रीका का डेवलप था, काफी फल फूल रहा था, काफी विकास कर रहा था। गेटिंग? हेलो, यस सर, व्हाट इज लोकल चिप्टेंस? लोकल चिप्टेंस का मतलब होता था वहां का नजदीकी सरदार। सरदार का मतलब है कि जो मुखिया होता था, हेड होता था, चापलूसक, फ्लैटरर्स, जिसका आसपास में काफी दबदबा होता था, वह झूठ सच कह करके लोगों को खरीद लेता था, बोलता था भैया मैं रोजगार दिलाऊंगा, बहुत अच्छा तुम्हारा फैमिली हो जाएगा, बहुत अच्छा इनकम होगा, इस तरह का खरीदारी करने वाला लोकल ट्रेडर्स जो होता था, चिप्टेंस सरदार जो होता था, जिसका दबदबा होता था, या तो प्रेम से बहला फुसला कर, और नहीं तो फिर जबरदस्ती किसी को भी उठा करके लेकर के चला जाना, ये उनका काम था। बॉर्डेक्स और नॉन्टीज के आसपास के जो सरदार होते थे उनका यही काम होता था, समझ गए? yes. इनका सिर्फ और सिर्फ मेन इनका जो इंटेंशन था, हाउ टू गेट द मोर एंड मोर प्रॉफिट, इससे मतलब नहीं था कि व्हाट दे वर डूइंग, व्हाट दे वर टेकिंग द स्टेप्स फॉर गेनिंग देयर ऑन, क्या बोलते हो, एडवांसिंग देयर ऑन अर्निंग्स, एडिंग टू देयर ऑन इकोनॉमी, अपने अर्थव्यवस्था का मजबूत करने के लिए किसी भी बद से बदतर काम कर रहे थे, इंसानों की खरीद बिक्री का काम चल रहा था, सोच लीजिए। विच वॉज क्रिटिसाइज इन 18th सेंचुरी इन फ्रांस। फ्रांस में 1789 के रिवोल्यूशन के बाद इसका जबरदस्त इस पर आलोचना हुआ। स्लेवरी जैसे चीज पे फ्रांस जो है बिल्कुल नाखुश था, सरकार बदल रही थी, मोनार्कल गवर्नमेंट जब तक था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये छत्र छाया में फल फूल रहा था स्लेव ट्रेड्स। स्लेव का ट्रेड जो था मोनार्कल गवर्नमेंट लुईस 16 और दूसरे अन्य लोग जैसे गवर्नमेंट अगर जब तक चलता रहा, जो ट्रेडर्स पे और दूसरे अन्य मर्चेंट्स पे जिनके इनकम पे इनका अस्तित्व निर्भर कर रहा था, उन्हीं के इनकम से टैक्स ये लोग जी रहे थे, तब तक इस पर कोई बैन नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आया, डेमोक्रेटिक जैसा रूल और रेगुलेशन बनने लगा, नियम कानून बदलने लगा वहां पे, तो स्लेवरी जैसी बातों पर भी एक बहुत बड़ा तीखा प्रहार किया गया, बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया फ्रांस में। नेशनल असेंबली जो वहां का, आप याद कीजिए कि स्टेट जनरल असेंबली का नाम बदल करके नेशनल असेंबली बना था, और थर्ड स्टेट के लोगों का इसमें दबदबा था, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। इन्होंने इस पर कानून तक बना दिया,
लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उनका ये कानून सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जी? क्योंकि तब तक इंटायरली सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ था, पूरी तरह से देश में रिपब्लिकन गवर्नमेंट नहीं आई थी, अब भी सत्ता राजा के हाथों में ही था। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जरूर थी। देश को इस बात का डर था, जो रूलर जो देश का फ्रांस का रूलर जो था उसे इस बात का डर था कि यदि मैं ऐसा कानून स्लैब से रिलेटेड, अगर एवोल्यूशन ऑफ द स्लैब से रिलेटेड यदि कोई कानून बन गया, सपोज इफ एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस वर इंप्लीमेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द नेशनल असेंबली, तो ट्रेडर्स और द बिजनेसमैन दे विल क्या हो जाएंगे, दे विल फील बैड, और व्हाट यू कैन से, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, दे विल नॉट एडमिट इट, और दे आर द इनकम विल अब्रप्टली गो डाउन, उनका इनकम अचानक गिर जाएगा, देश का अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, और सरकार को अधिक से अधिक टैक्स मिल रही थी वो गिर जाएगा। ये हालात के चलते इन लोगों ने इस कानून को बनाने से और पास करने से कतरा रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि बिजनेसमैन का पूरा इनकम जो ट्रेडर्स लोगों का था फ्रांस में उन दिनों 17-18 सेंचुरी में, वो स्लैब्स की ही खरीद बिक्री पर टिका हुआ था। लेकिन अंतोगत्वा 1794 में एक कानून बना, न्यू कन्वेंशन के द्वारा पास किया गया इसे, और यह कानून 1794 में एग्जिस्टेंस ऑफ स्लैब पे बहुत बड़ा तीखा प्रहार किया, उन्हें फ्री करने का यह कानून बनाया गया, या पूरी तरह से इमेनिसिपेशन मुक्ति दिलाने का कानून बनाया गया, स्लैब्स की मुक्ति दिलाने का कानून 1794 में पूरी तरह से बना करके, ऑल स्लैब्स मस्ट बी फ्री वेयर एवर देयर वर द कॉलोनीज ऑफ फ्रांस, इवन द रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस रूल्स एंड रेगुलेशन 1794 वर इंप्लीमेंटेड इन दोज ऑफ द कॉलोनीज वेयर एवर देयर वर द डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस ऑफ फ्रांस ओवर दोज ऑफ द कॉलोनीज, जहां जहां फ्रांस का कॉलोनीज था, जहां जहां फ्रांस का प्रभुत्व था, वर्चस्व था, उन कॉलोनियल कंट्रीज में भी ये नियम लागू हो गया कि कोई भी स्लैब्स नहीं बनाएगा, किसी भी स्लैब्स की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी, मानव की बिक्री बंद हो जाएगी। लेकिन याद रखें 1794 का यह बना हुआ कानून, दिस डिडंट सस्टेन फॉर लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, राजनीतिक गिरावट आ रही थी, बार बार सत्ता उलट पुलट हो रही थी। मैक्स मिलन रॉब्सबेरी जैकोबिन क्लब का जैसे ही सरकार गिरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई कि वंस अगेन नेपोलियन बोनापार्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड मोनार्कल गवर्नमेंट वाज रीइंट्रोड्यूस्ड, फिर से मोनार्कल गवर्नमेंट को रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया। लेकिन इसने क्या किया, मोनार्कल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट वंस अगेन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी, जो कानून 1794 में स्लेवरी को खत्म करने के लिए बनाया गया था, जैसे ही मोनार्कल गवर्नमेंट रिटर्न हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का अस्तित्व आया, फिर से नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, का मतलब उसने आजादी दे दी कि फिर से दासों की खरीद बिक्री शुरू कर दो, व्यापार व्यवसाय शुरू कर दो। हरी झंडी, द ग्रीन सिग्नल वॉज गिवेन बाय नेपोलियन बोनापार्ट इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द स्लैब्स, और द ट्रेड ऑफ द स्लैब्स वर नाउ स्टार्टेड। Once again, getting dear students, hello. Yes, sir. Yes, sir. फिर से स्लैब को किसने reintroduce किया था?
स्लेव की प्रथा फिर से किसने शुरू की? नेपोलियन बोनापार्ट सर। गुड, नेपोलियन बोनापार्ट। इससे पहले कब कानून बना था इसको खत्म करने के लिए? 1794। स्लेव की प्रथा कब शुरू हुई थी? 17th century में। ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड किन किन देशों के बीच में, किन किन महादेशों के बीच में चल रहा था? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। हाँ, यस यस, यू आर राइट। व्हिच वर द टू इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ अफ्रीका व्हिच वर फेमस फॉर? बोर्डेस एंड नांटी। बोर्डेस और नांटीज, गुड। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन्हें दिमाग में रखना है, हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। अंडरस्टूड दिस? अफ्रीकन निग्रोज को पहली बार स्लेव्स बना करके जब बाजार में प्रस्तुत किया गया तो प्लांटेशन ऑनर्स ने उनकी कीमत को समझ गया। प्लांटेशन ऑनर्स नाउ अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द अफ्रीकन निग्रोज। एक प्रकार का जाति था, जंगली जाति, अंडरस्टूड और नॉट, समझ गए कि इनकी कीमत क्या है, किस तरह से, हाउ दे आर एडवांटेजियस और हाउ दे आर बेनिफिट्स और हाउ दे कैन एड टू देयर ऑन द इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। अगर इन्हें, इनसे काम लिया जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद है, ऐसा लोगों को महसूस हुआ। लेकिन अंतोगत्वा फ्रांस ने 1848 में, 1848 ईस्वी तक आते आते फ्रांस ने पूरी तरह से स्लैब्स पे अपना कंट्रोल खत्म कर दिया, पूरी तरह से नाउ डिक्लेयर एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड फ्रॉम ऑल ओवर वेयर एवर देयर वर द कॉलोनीज ऑफ फ्रांस। इवन द फ्रेंच कॉलोनियल प्लेसेज और द कंट्रीज से भी स्लैब ट्रेड को सदा सदा के लिए एवोल्यूशन की क्या मिल गई? ग्रीन सिग्नल मिल गया, हरी झंडी मिल गया, यानी कि स्लैब सिस्टम वाज कंप्लीटली बैंड इन 1848 फ्रॉम ऑल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनीज और वेयर एवर देयर वर द राइट्स ऑफ, और अधिकार था जहां कहीं भी फ्रांसीसियों का, वहां से पूरी तरह से खत्म हो गया। गेटिंग? हेलो, All of you are getting, dear students? Yes, sir. Yes, sir. Good. Next point हम लोग को पढ़ना था, the revolution and everyday life. Yes? Getting? Yes, sir. Yes. एवोल्यूशन ऑफ स्लैब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत कुछ आ सकता है। याद रखिएगा, देखिए रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, पर डे के जीवन में क्रांति कैसे आ रही थी। 1789 के बाद भी जनता फ्रांस का खुश नहीं था, वहां की जनता में पर डे के जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल जैसी घटनाएं अभी भी हो रही थी। याद कीजिए, महिलाओं को अभी भी वहां पे राइट्स नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी 1789 का जो रिवॉल्यूशन था वो फ्रांस के पर डे के जीवन में, इन ईच एंड एवरी डे लाइफ, ऑल मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम अफेक्टेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। 1789 की क्रांति ने हर किसी को बहुत जबरदस्त प्रभावित किया। और आप जानते ही हैं कि इस रिवॉल्यूशन ने मुख्य तौर पे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे भावों को न केवल अपने देश में बल्कि संपूर्ण यूरोपीय देशों में और बाद में चलकर पूरे विश्व में इसका भाव देखने को मिला। सत्रह सौ नवासी के रिवोल्यूशन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सुधार जो हुआ कार्यक्रम,
फ्रांस में वह था क्या? एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप समझते हो ना जी? सेंसरशिप का मतलब है किसी भी चीज पे रिस्ट्रिक्शन। फर्स्ट यू हैव टू टेक द परमिशन, देन आफ्टर इट विल बी कम इनटू इन्फ्लुएंस, तब इसके बाद वो प्रभाव में आएगा। 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में लगा हुआ जो सेंसरशिप था वह पूरी तरह से खत्म कर दी गई। एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप, द इम्पोर्टेंट इवेंट आफ्टर 1789 इन द सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट वाज द एवोल्यूशन ऑफ क्या? सेंसरशिप। एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। पहले क्या सिस्टम में था जी फ्रांस का? ओल्ड रिजाइम के समय में, ओल्ड रिजाइम मतलब क्या? 1789 से पहले, लुई 16 के पहले गवर्नमेंट आने से पहले वहां की व्यवस्था क्या थी? फ्रांस की व्यवस्था थी ऐसी कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी राइटर्स हो या कोई भी आर्टिस्ट हो या कोई भी एनीबडी एल्स, इफ एनीवन हु वांट्स टू राइट समथिंग और एनी रिटन मटेरियल और द कल्चर एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, न्यूज पेपर, ड्रामाज, प्लेज, दे कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली बाय द अप्रूवल ऑफ द किंग और व्हाट यू कैन से आफ्टर गिविंग द परमिशन बाय द किंग। जब तक किंग परमिशन नहीं देगा तब तक कोई बुक्स नहीं छपेगा, तब तक कोई न्यूज़पेपर नहीं छपेगा, तब तक कोई पत्र पत्रिकाएं नहीं छपेंगे, तब तक कोई प्लेज और ड्रामा नहीं छपेंगे, किसी भी तरह का कोई भी रिटन मटेरियल नहीं छप करके आएगा, जनता तक कोई भी मैसेज नहीं पहुंचेगी। ओल्ड रिजाइम इस तरह से पूरे देश को अपने कंट्रोल में कर रखा था, क्योंकि व्हाट द चेंजेज वर टेकिंग प्लेस इन ईच पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, वर वेरी इम्पॉसिबल टू रीच द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री इफ द न्यूज पेपर और यू कैन से प्रिंट मीडिया वर नॉट वर्किंग फ्रीली और नॉट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द किंग, बट ईच एंड एवरीथिंग वॉज इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द किंग। दैट इज वाई देयर वॉज अ ग्रेट रिक्वायरमेंट आफ्टर द 1789 रिवोल्यूशन, इट वॉज द एबोल्यूशन ऑफ द सेंसरशिप ओवर द बुक्स, प्रिंटेड मटेरियल, न्यूज पेपर्स और प्लेज और द ड्रामाज और द एनीथिंग एल्स। भारत देश में भी सेंसरशिप लग गया था, याद कीजिए, कोई भी न्यूज पेपर पत्र पत्रिका नहीं छापेगा, क्योंकि ऐसा लगता था लोगों को, क्या लगता था कि अगर ये पत्र पत्रिकाएं छपेंगे तो बहुत जो रिवोल्यूशनरी विचार के लोग हैं, कंसेप्चुअल माइंडेड पर्सन हैं, वो अपने विचारों के माध्यम से, अपने क्या बोलते भावनाओं के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भड़काने का काम करेंगे, क्रांति करवाने का काम करेंगे, उन्हें इंस्टिगेट करेंगे, राजा के विरोध, शासक के विरोध, रूलर के विरोध, वे क्या करेंगे, क्रांति करवा देंगे। और इसीलिए ओल्ड रिजाइम में लुई 16 के पहले से यह प्रथा थी कि वट एवर द प्रिंटेड मटेरियल विल हैव टू बी पब्लिश, फर्स्टली दे विल हैव टू व्हाट, पहले क्या करना होगा उन्हें, दैट विल बी पास थ्रू द टेबल ऑफ द किंग, पहले वो किंग के टेबल से गुजरेगा, इफ द किंग विल थिंक दैट देयर इज नो ऑब्जेक्शन ओवर द प्रिंटेड मटेरियल, देन आफ्टर इट विल बी पास्ड। लेकिन 1789 के रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद क्या परिवर्तन आया? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस, हर एक व्यक्ति का मैन एंड सिटीजंस का, उसके अधिकारों को डिक्लेयर किया गया कि आपका क्या क्या अधिकार है। दे वर गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब वे स्पीच देने का अधिकारी हैं, कहीं भी चौराहे पर खड़ा होकर संबोधन कर सकते थे, एड्रेस कर सकते थे, an expression to be natural rights, freedom of speech and expression were given as a natural rights by the following years after the 1789 revolution. 1789 क्रांति के बाद जनता को क्या मिला? freedom of speech or the freedom of expression,
बोलने का अधिकार और अपने मंतव्य को रखने का अधिकार उन्हें मिल गया। हेलो हेलो Parnav, who is Parnav? You are the first time joining the class. You are the new student, Parnav. Yes, sir. Bolo ji. Yes, sir. You are the new one. Yes, sir. बहुत डरे डरे क्यों बोल रहे हैं? स्पष्ट बोलिए ना. Yes, sir. New student है. ओके 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 तो 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप हो गया, का मतलब किसी को भी अब पत्र पत्रिकाएं छापने में, लिखने में, किताब न्यूज़पेपर वगैरह छापने में, अपने मंतव्यों को प्रस्तुत करने में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन व गिवेन एज ए नेचुरल राइट्स टू द पीपल ऑफ फ्रांस और द मैन एंड सिटीजन ऑफ फ्रांस। कंसिक्वेंटली व्हाट हैपेंड, नतीजा क्या निकला कि न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, मटेरियल्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस। टाउन में, फ्रांस के शहरों में बाढ़ सी आ गई। क्या चीज का? प्रिंटेड मटेरियल का। इससे पहले रोक था, अब जैसे ही इस पर छूट मिला, फ्रीडम मिला कि लोग अपने अपने मन के अनुकूल का, अपने अपने भावनाओं को, अपने अपने क्या बोल सकते हो कि रिवोल्यूशनरी विचारधाराओं को क्या करना शुरू किया, किताबों में, न्यूज़पेपर्स में, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ड्रामाज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो गई। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया। दीज ऑल द बुक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिस्टिक मटेरियल्स वर एक्सप्रेसिंग अबाउट द चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। फ्रांस में हो रहे परिवर्तन का ही वर्णन कर रहे थे सारे चीज। अब क्या था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के आने से क्वेश्चन में आएगा कि एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप आफ्टर द रोल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप आफ्टर द 1789 के बाद एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप होने के बाद में व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन फ्रांस। क्या क्या परिवर्तन आए या इनका क्या महत्व है इस एवोल्यूशन का? अब लोग अपना अपोजिंग व्यूज समाज में रख सकता था, यदि राजा के, या कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट, तत्कालीन गवर्नमेंट जिनके अधीन चल रही थी, यदि जनता उससे खुश नहीं थी, उसकी गवर्नमेंट से खुश नहीं थी, तो दे कैन एक्सप्रेस देयर ऑन द व्यूज अगेंस्ट देयर ऑन द रूलर्स। पहले फर्स्टली दिस राइट वॉज नॉट गिवेन टू एनी पर्सन। अब प्रिंट के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते थे, पहुंचा सकते थे। प्ले, सॉन्ग्स, कई तरह का ऐसे फेस्टिव प्रोसेशन, जुलूस के माध्यम से लार्ज नंबर ऑफ द पर्सन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस। जो भी समाज में मिडिल क्लास के लोग थे, एडुकेटेड क्लास के लोग थे, फिलोसफर्स और स्कॉलर्स वर्ग के लोग थे, दे स्टार्टेड राइटिंग देयर व्यूज एंड द मैसेज वर बीइंग कन्वेड टू ऑल ऑफ द पर्संस एंड दिस वर इवन बीइंग डिस्कस्ड टू दोज ऑफ द पर्संस हु वर अनेबल टू रीड और राइट। लोग जो अब न पढ़ सकते थे और न क्या बोल सकते हो लिख सकते थे, उन तक लोग जो है नरेट करके और सुनाते थे किस तरह से चेंजेज फ्रांस में, सोशल चेंजेज, पॉलिटिकल चेंजेज और इकोनॉमिकल चेंजेज और द चेंजेज इन ईच एंड एवरी डे लाइफ कैसे बहुत तीव्र गति से हो रहा है, या न्यूज़पेपर के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, प्लेज के माध्यम से, ड्रामाज के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से
जुलूस के माध्यम से, पार्टीज के माध्यम से या बिल्कुल जनता तक पहुंचना शुरू हो गई और अधिक से अधिक मोर एंड मोर पीपल वा नाउ टेकिंग द प्लेस और पार्टिसिपेटिंग इन दिस चेंजिंग व्यूज हैपनिंग इन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस के सोसाइटी में हो रहा था। इस तरह से पर डे के जीवन में सेंसरशिप ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया 1789 के क्रांति के बाद। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर। एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप का मतलब समझ में आया कि किस तरह से वहां पत्र पत्रिकाओं से जब नियंत्रण हट गया, कंट्रोल हट गया किसी भी राजा का, तो क्या उनका पत्र पत्रिकाओं का क्या रोल था, किस तरह से मिडिल क्लास के लोग या वैसे लोग जो किसी भी इवेंट से किसी भी राजा या रूलर से बिल्कुल उनके अगर मान लो कि उनके गवर्नमेंट से सहमत नहीं है तो उनके विरुद्ध किस तरह से अपनी भावनाओं को रख सकते हैं, ये सभी बातों की छूट मिल गई। लोग अब अपनी भावनाओं को रखने में सक्षम थे। लास्ट पॉइंट है आपके पास, पूरा ओवर और कंक्लूजन क्या आया इसके बाद शोध देखिए। एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को बढ़िया से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें नेपोलियन ने बहुत बड़ा वर्क किया है। इन 1804 की घटना है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था, याद कीजिए, और 1815 में वो वाटरलू की लड़ाई में सारे देश के लोगों ने उन्हें मिलकर के हरा भी दिया था। फ्रांस के एक्सटेंशन टेरिटरीज एक्सटेंशन पे रोक लगाने के लिए फ्रांस के बॉर्डर एरियाज पे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया है ना, डेनमार्क और जितने भी अन्य देशों के लोग जो थे अपनी अपनी सेना को इकट्ठा कर दिया एक साथ मिलकर के, और नेपोलियन बोनापार्ट की जो तीव्र इच्छा थी साम्राज्य वृद्धि का उस पर रोक लगाने के लिए 1815 में सभी मिल करके और वाटरलू की लड़ाई में इसे हरा दिया गया, जो 1815 की घटना समझी जाती है, आगे हम लोग को पता चलेगा। हेलो, यस सर। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा जी? हाँ हेलो, 1804। हाँ जी, someone is telling something? 1804. हाँ हाँ, yes, 1804. नेपोलियन बोनापार्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ द क्या कह सकते हैं एज अ क्राउन, और कह सकते हैं कि टुक द पोजीशन इन फ्रांस इन 1804. वह एक डिक्टेटरशिप का समर्थक था। आपको पता ही होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में बहुत 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 अच्छा काम किया और कुछ गलत काम भी किया, पॉजिटिव और नेगेटिव डिड्स फ्रांस के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए था। याद कीजिए कि नेपोलियन कोड उसने लागू किया था 1804 में, उसने एक नेपोलियनी कोड के नाम से जाना जाता है उसे लागू किया गया था जो पूरे फ्रांस में लागू हुई थी, नेपोलियनी कोड है ना। उसने इक्वल वेगिंग प्रणाली, वेटिंग सिस्टम, इनफॉर्म करेंसी, सारे देश जहां जहां भी पूरे एक देश का एक ही करेंसी होगा, लोकल डायलेक्ट्स जितने भी थे वो सब खत्म करके पूरे फ्रांस का एक ही भाषा होगी, 700-800 ग्राम बराबर एक केजी को खत्म करके अलग अलग स्टेट में अलग अलग मेजरिंग प्रणाली था, किसी शहर में 75 सेंटीमीटर बराबर एक मीटर समझ लिया जाता था तो किसी में 80 सेंटीमीटर बराबर एक मीटर समझ लिया जाता था तो कहीं पर 82 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 मीटर समझ लिया जाता था। इतनी अनइक्वलिटी थी वेगिंग प्रणाली में, मेजरिंग प्रणाली में, उसको नेपोलियन बोनापार्ट ने खत्म कर दिया था, पूरे देश की जनता को इक्वल अधिकार दिलाया था, कानून के सामने सभी को ऑल पर्सन ऑफ फ्रांस व इक्वल बिफोर द लॉज, ऐसी कई तरह का उसने सुधार किया था, उसने फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी बहुत बड़ा चेंजेज लाया था उसने, तो बहुत कुछ बहुत हद तक उसने अच्छा भी काम किया था, ऐसा बात नहीं था, फ्रांस के बेटरमेंट के लिए उसने अच्छा भी काम किया था कुछ, लेकिन गलत भी किया था उसने।
समझ गए? जैसे गलत काम क्या किया था जी, फोर्स रिक्रूटमेंट कर दिया था, फोर्स रिक्रूटमेंट समझते हो ना, सेना में जबरदस्ती बहाली, जाए का मन है या नहीं है तुमको जाना ही पड़ेगा। अब अगर मान लो किसी माँ बाप का एक ही बेटा हो, एक ही औलाद हो, जबरदस्ती भर्ती कर देगा सेना में तो क्या होगा बोलो? और अगर वो मर जाता है तो माँ बाप उसके क्या हो जाएंगे? ऑर्फिन हो जाएंगे ना, ऑर्फिन हो जाएंगे माँ बाप बिना बेटे का औलाद का हो जाएंगे। गेटिंग? हेलो, यस सर। उसने टैक्सेशन को बढ़ा दिया था, फ्रांस में उसने टैक्स को बढ़ा दिया था, पीजेंट्स लोगों को टैक्स बढ़ा दिया गया था उसके समय में। कुछ ऐसा गलत काम स्टेप उठा लिया था नेपोलियन बोनापार्ट कि फ्रांस की जनता भी उसको थोड़ा हेटफुल निगाह से देखना शुरू किया। यूं तो उसने उसकी सेना जो है, फ्रांस की सेना नेपोलियन बोनापार्ट के समय में ऐसा कहा जाता है कि कई देशों में द सोल्जर्स ऑफ फ्रांस वा वेलकम एज अ हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस की सेना को कई देशों के लिए आजादी के मसीहा के तौर पर समझा जाता था। फ्रांस की सेना जहां कहीं भी जाती थी उसके नेतृत्व में वहां उस देश की आजादी दिलाने का काम करती थी। बड़ी अच्छे तरीके से, बहुत ग्रेट रिस्पेक्ट से सेना को, फ्रांस की सेना को समझी जाती थी। फिर भी इसके बावजूद भी उसकी हार हो गई, आखिर ऐसा क्या कारण? देखिए, फ्रांस का जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो ये डट्टीफुल क्या कह सकते हैं पॉलिसी था ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द टेरिटरीज, पॉलिटिकल टेरिटरीज, भू क्षेत्र को बढ़ा देना, मैंने दूसरे के इलाके को जीत करके अपने देश में मिला लेना, यह अनेक्सेशन का प्रोसेस जो फ्रांस में लागू किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, इससे कई देश उसके दुश्मन बन गए थे। फ्रांस अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इमर्ज एज अ कंकरिंग ऑफ द नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप के जो आसपास के जो देश थे उसको कब्जे में लेना शुरू कर दिया, और क्या करना शुरू कर दिया, डिस्पजेजिंग डेनिस्टीज, और जो जो वहां का रूलर था उसको गिराना शुरू कर दिया, और वहां पर अपने मन के अनुकूल का सरकार, अपने मन के अनुकूल का किंगडम्स को खड़ा करना शुरू कर दिया, जहां पर ही हैड प्लेज हिज ऑन चॉइसफुल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जहां पर अपने लोगों को उसने इकट्ठा कर दिया, अपने लोगों को जाकर के सत्ता पे बैठा दिया। क्या करता था फ्रांस, मान लो किसी पड़ोसी मुल्क को जीत लिया, कोई अपना फैमिली का कोई अच्छा व्यक्ति है वहां का उसका मालिक बना देता था। नेपोलियन को यूरोप का मॉडर्नाइजर कहा जाता है। मॉडर्नाइजर का मतलब समझते हो जी, यूरोप को अगर मॉडर्नाइज करने का काम किया तो वह नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कई ऐसे मॉडर्न चेंजेस समाज में लाए, परिवर्तन लाए, जिससे मॉडर्निटी को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन में आएगा कि हु इज नोन एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, तो क्या जवाब देंगे जी? नेपोलियन बोनापार्ट। गुड, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने राइट टू प्रॉपर्टी, इनफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, इन सबों को उसने क्या किया, लागू किया। चारों तरफ अब 100 सेंटीमीटर बराबर ही एक मीटर होगा, 1000 ग्राम बराबर ही एक केजी होगा, ऐसा सिस्टम उसने किया। राइट टू प्रॉपर्टी, अब कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकता है, पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मना थी। शुरुआती में नेपोलियन की आर्मीज को किस रूप में वेलकम किया गया, लिबरेटर के रूप में वेलकम किया गया। द आर्मीज ऑफ नेपोलियन वर वेलकम एज अ लिबरेटर ऑफ लिबरेटर बाय द मेनी कंट्रीज, बट सून आफ्टर इट क्या हो गया,
उसके आर्मीज को लोगों ने इन्वेडर्स के रूप में वेलकम करना शुरू कर दिया. द आर्मीज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट वर वेलकम एज और नोन एज इन्वेडर्स. शुरुआती में लिबरेटर्स, बाद में इन्वेडर्स. आक्रमक आ रहा है, देखो अटैकर्स आ रहा है, ऐसा कहकर लोग पुकारते थे. लेकिन अंतोगत्वा उसने 1815 की लड़ाई में, वाटरलू की लड़ाई में, कई देशों के एक साथ गुट बना लेने की वजह से उसकी हार हो गई. बट आज भी उसके द्वारा तैयार किए गए नेपोलियनी कोड के माध्यम से जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज जो थी लिबर्टी का और मॉडर्न लॉज का, वह अभी भी नेपोलियन के द्वारा पूरे यूरोप में फेमस है, लागू है. याद रखिएगा कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, दीज वर द मोस्ट अंडर डेमोक्रेटिक राइट्स, जो भी कहिए, दीज वर द मोस्ट लीगेसी और द इम्पोर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन. अंडरस्टूड और नॉट? पूरे विश्व को सबसे बड़ा फ्रेंच रिवोल्यूशन की देन क्या है? तो पूरे विश्व को उसने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के साथ साथ डेमोक्रेटिक कंसेप्ट के विषय में दुनिया को बताया. यह सबसे बड़ी लीगेसी है, सबसे बड़ी वसीयत है, सबसे बड़ी खजाना है जो पूरी दुनिया को फ्रांस ने दिया. फिर से प्लीज, आवाज नहीं आ रहा है. हेलो, बोलिए. हाँ जी, समवन इज सेइंग समथिंग, प्लीज. हाँ, आवाज नहीं क्लियर आ रहा है जी, बहुत वाइब्रेट करके आवाज आ रहा है आपका, साफ आवाज नहीं आ रहा है. हाँ जी, बोलो, क्या बोल रही थी पुष्पा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित होकर के, याद रखेंगे कि भारत देश में भी टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय फ्रेंच की जो आइडियाज था, जो उसका कंसेप्ट था, जो लिबर्टी का, जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज पूरे फ्रांस ने पूरे विश्व को दिया, इससे प्रभावित होकर खुद आपके देश के नेता भी, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने भी अपने देश में सोशल चेंजेज और रिवोल्यूशनरी चेंजेज लाने का प्रयास किया और आज़ादी का अंतोगत्वा जो है स्वप्न पूरा हुआ. यानी कहने का मतलब है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे विश्व को एक बहुत अच्छा, क्या कह सकते हो, संदेश दिया. पूरे विश्व के, क्या कह सकते, राजनीतिक सिस्टम को, जो पॉलिटिकल व्यवस्था था, उसको उसने चेंज कर दिया. जनता के हित में, जनता के लिए सरकार शुरू हो गई. इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड यह लेसन आप लोगों को खत्म हो गया. नेक्स्ट क्लास में केवल इसी से रिलेटेड आपका टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है? हेलो, हेलो, यस सर. इससे रिलेटेड आप लोगों को गूगल फॉर्म्स पे टेस्ट होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? रिटन की ओर है, केवल एक लेसन से ही, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरे लेसन का रिटन सर. हाँ सर, कितने मार्क्स? आवाज नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आवाज नहीं आ रहा है. सर रीडिंग लीजिए. हाँ जी, हाँ जी, ओके. और इंग्लिश का सर नहीं बताए? मिल जाएगा, है मेरे पास, मौजूद है. ओके, कितना मार्क्स कर रहे हो?
हेलो सर, आप म्यूट हैं। ठीक है जी, आज भर यही इतने ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, कौन सा बुक पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में? नहीं जी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जैसा कहो पॉलिटिकल साइंस। हाँ सर, पढ़ा दीजिए। ओके, एज यू विश, दैट विल बी। इंग्लिश में क्या चला? टेस्ट आपको होगा एडवेंचर ऑफ टोटो। इंग्लिश में एडवेंचर ऑफ टोटो चल रहा था? यस। वो तो खत्म हो गया था ना, और कुछ सर बाकी था? बाकी रह गया था सर, टोटो में बाकी था। ठीक है, ओके, एज यू विश। तो एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़ा दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा, और क्या। ठीक है, ठीक है, ओके। टेस्ट कब होगा? टेस्ट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हमको पहले मैनेजमेंट से बात करने दीजिए कि वहाँ कोई दूसरा टेस्ट, आप लोग का भी जल्दी में कोई टेस्ट नहीं ना है? नो सर। ठीक है, तो फिर जल्दी में जब टेस्ट नहीं है तो फिर वो गूगल फॉर्म्स पे तो टेस्ट ऐसे ही हो जाएगा, उसमें कोई जरूरत तो है नहीं हम लोग का। हम लोग क्वेश्चन बना करके दे देंगे वहाँ पर, वो टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे उन लोग गूगल से। हाँ, या फिर देखते हैं क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं, अगर रिटर्न कहेंगे तो रिटर्न हो जाएगा फिर। और कोचिंग कैसे खुलेगा सर? जुलाई से खुलने वाला है, फर्स्ट वीक से भरसक खुल जाएगा, फर्स्ट या सेकंड वीक से। ऐसे तो सब खुला हुआ है सर, बहुत कोचिंग नहीं, मगर ये कंफर्म है जुलाई से आपको ऑफिशियली कोचिंग की सब खुला हुआ, ऑफिशियली खुल जाएगा, माने क्या कहिएगा, लेजिटिमेट तरीके से खुल जाएगा, कानूनी तरीके से। स्विम क्लासेस बहुत बड़ा अपना इसका इंप्रेशन है मार्केट में जी, अगर ये खुल देगा ना, इनको लाखों रुपया का फाइन देना पड़ जाएगा, समझ गए। और दूसरे अन्य कोचिंग का कोई वैसा इमेज नहीं है, वो है और नहीं है, दोनों के बराबर में है, चल रहा है, चल रहा है, और उसका अपना एक इमेज है, आपको पता नहीं आप लोगों का है। इससे पहले उन्होंने 1 करोड़ रुपया फाइन दे रखा है, समझ गए, 1 करोड़ रुपया, जो एक इंसान को जीवन भर कमाने में भी नहीं कमा पाएगा शायद कोई कोई आदमी, वो उन्होंने फाइन दे रखा है इससे पहले। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे, 2, 4, 10, 20, 50 को आदमियों को पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को, जब तक गवर्नमेंट आदेश नहीं देगी। ठीक है,